सब्सक्राइब कीजिए सुनैना माइक्रम आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क को, साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करिए आगे के न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा, यूनिक और डिफरेंट पैटर्न का माइक्रम का फ्लावर पॉट। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये डिफरेंट और यूनिक पैटर्न का माइक्रम का जो पॉट है पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मटेरियल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमें माइक्रम के टू कलर्स के थ्रेड्स चाहिए और यहाँ पे लाइटर चाहिए टू, यहाँ पे हमें रिंग्स चाहिए 3 और 2.5 इंच की, यानी 3 और 2.5 इंच की रिंग चाहिए। 4 कलर्स के फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बड़ी वाली बीट्स चाहिए और इसके बाद हमें सीज़र चाहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कट किया हुआ कॉर्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे वाइट कलर का कॉर्ड लिया है जिसे मैंने 3 मीटर में कट किया है 1 पीस, और यहाँ पे रेड कलर का कॉर्ड कट किया है। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 मैंने रेड और वाइट कलर का 1, इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 3 मीटर्स के मैंने कॉर्ड यहाँ पे दोनों कलर के कट किए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमें रेड कलर का एक कॉर्ड ले लेना है 3 मीटर वाला, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर अभी जो कॉर्ड कट किए है उसको अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 मीटर का वाइट वाला कॉर्ड ले लिया है फ्रेंड्स, इसको बीच में से डबल कर दिया है, और यहाँ से अभी क्या करना है रेड वाले कॉर्ड के नीचे से हमें इस तरह से वाइट वाले कॉर्ड को निकाल लेना है। ये देखिए रेड वाला जो कॉर्ड था 3 मीटर का, उसके स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मैंने वाइट वाला कॉर्ड लगाया है। इसके बाद ये वाइट वाला जो कॉर्ड है साइड से एक एक बार दोनों तरफ रैप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड फिर से हमें कॉर्ड ले लेना है रेड वाला। अब ये जो रेड वाले 4 कॉर्ड्स हैं फिर से हमें रेड वाले कॉर्ड पे अटैच करना है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉर्ड को डबल कर लिया है 3 मीटर को, और ये देखिए कॉर्ड के नीचे से कॉर्ड को निकाल लेना है इस तरह से, और एक एक बार साइड से कॉर्ड को रैप कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर रेड वाले सारे कॉर्ड्स को अटैच कर लेना है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स रेड वाले मैंने कॉर्ड्स को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो टोटल हमने रेड वाले 5 और वाइट वाले 1 इस तरह से कॉर्ड कट किए थे। तो अब यहाँ से 2 वाइट और 2 रेड कॉर्ड साइड कर लेंगे, ये देखिए इसको। इसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स एक कॉर्ड उठा लेना है 5th नंबर वाला, उसके बाद इसके ऊपर फ्रेंड्स अभी सारे कॉर्ड्स को ये देखिए 3 4 5 और ये 6 जो इस पे हमने कॉर्ड अटैच किए उस कॉर्ड को भी लेना है, और इस वाले कॉर्ड पे डबल डबल टाइम रैप करना है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे रैप करना डबल डबल टाइम। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट में देखिए ये वाला जो कॉर्ड है जिसके ऊपर हमने कॉर्ड्स को अटैच किया था वो कॉर्ड भी ले लेना है, और इसको भी डबल टाइम रैप कर लेना है। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैंने सारे कॉर्ड्स को रैप कर लिए हैं। तो यहाँ से अभी हमें क्या करना है 1 2 3 एंड 4, 4 कॉर्ड्स को लेना है, 3 कॉर्ड्स हमें साइड कर देना है, और यहाँ से फिर से हमें क्या करना है फ्रेंड्स ये जो 3 कॉर्ड्स हैं तो ये जो 4th नंबर का कॉर्ड है इसके ऊपर डबल डबल टाइम रैप करके लेना है।
तो अभी यहाँ पे सारे कॉर्ड्स को फ्रेंड्स मैंने रैप कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाला कॉर्ड है फर्स्ट वाला, उसमें एक बीड्स डाल देना येलो कलर का, बड़ी साइज की, आप छोटी साइज की भी इसमें डाल सकते हैं बीड्स। इसके बाद फ्रेंड्स इसी कॉर्ड को हमें टर्न करना है और ये थ्री कॉर्ड्स है रेड वाले माइक्रम के, इनको डबल डबल टाइम फिर से रैप करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कॉर्ड्स को रैप कर लिया। उसके बाद ये थ्री कॉर्ड्स है जो छोड़ दिया था, इसमें से फर्स्ट वाला जो कॉर्ड है उसको ले लेंगे और उसमें हमें एक यहाँ पे बीड्स डाल देना है। ये देखिए एक मैंने ग्रीन कलर का बीड्स डाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर से स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से हमें फर्स्ट वाला कॉर्ड लेना है फ्रेंड्स, और यहाँ तक ये जो कॉर्ड है रेड वाला, ये देखिए ये जो लाइन है अभी वो लाइन बनाना है हमें ऊपर वाली सेकेंड वाली, तो यहाँ तक हम कॉर्ड्स को डबल डबल टाइम अच्छी तरह से रैप करके ले लेंगे। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैंने कॉर्ड्स को रैप कर लिया है। इसके बाद फिर से फ्रेंड्स क्या करना है, ये देखिए जो फर्स्ट वाला जिसके ऊपर हमने कॉर्ड्स रैप किए थे वो वाली लाइन फिर से हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ से फिर से स्टार्टिंग से एक कॉर्ड उठा लेना है फर्स्ट, और ये वाइट वाला जो कॉर्ड है पूरा यहाँ तक हमें कॉर्ड्स को अच्छी तरह से डबल डबल टाइम रैप करना है, ये वाइट कॉर्ड तक। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे मैंने सारे कॉर्ड्स को यानी वाइट कॉर्ड तक सारे कॉर्ड्स अच्छी तरह से रैप कर लिए हैं। फिर से फ्रेंड सेम कॉर्ड को यानी जो रेड कलर का कॉर्ड है उसको टर्न करके और ये जो जितने भी सारे कॉर्ड्स है सभी को हमें फिर से डबल डबल टाइम फिर से रैप करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने फिर से कॉर्ड अच्छी तरह से रैप कर लिए हैं। फिर से स्टार्टिंग से हमें फोर कॉर्ड्स को साइड कर देना है और यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से फिफ्थ नंबर का कॉर्ड ले लेना है। ये देखिए फोर छोड़ के फिफ्थ नंबर का कॉर्ड ले लिया है और यहाँ तक ये जो कॉर्ड है हमारा पूरा सारे कॉर्ड्स को फिर से डबल डबल टाइम इस रेड वाले कॉर्ड पर फिर से अच्छी तरह से रैप करना है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कॉर्ड्स को यहाँ से अच्छी तरह से रैप करके पूरा ले लिया है और इसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स जैसे फोर छोड़ दिया था कॉर्ड, इसके बाद हमें थ्री कॉर्ड छोड़ना है, यानी पहले फोर कॉर्ड छोड़ दिया फिर थ्री कॉर्ड छोड़ देना है, इसको साइड कर देंगे। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, फोर्थ नंबर का कॉर्ड उठा के और आगे के जो थ्री कॉर्ड्स हैं इनको फिर से हम इस वाले कॉर्ड पर डबल डबल टाइम अच्छी तरह से रैप करेंगे। अभी यहाँ पे फ्रेंड कॉर्ड्स को रैप करने के बाद स्टार्टिंग वाले कॉर्ड में फिर से एक येलो कलर का बीड्स डाल देना है और बीड्स डालने के बाद जो थ्री कॉर्ड्स हैं इन थ्री कॉर्ड्स को ये जो रेड वाला कॉर्ड है इसके ऊपर डबल टाइम रैप करना है।
तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स कॉर्ड को रैप कर लिया। इसके बाद जो 3 कॉर्ड्स छोड़े थे उसमें से फर्स्ट वाला कॉर्ड ले लेना है, जैसे ये ग्रीन कलर का बीट्स डालना है वैसे यहाँ पे फिर से एक बीट्स डाल देना है। ये देखिए, तो अभी यहाँ पे बीट्स डालने के बाद फिर से यहाँ से स्टार्टिंग से शुरुआत से हमें एक कॉर्ड ले लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये जो 3 कॉर्ड्स हैं यहाँ तक हमें फिर से डबल डबल टाइम कॉर्ड्स को रैप कर लेना है। तो अभी यहाँ पे कॉर्ड्स रैप हो चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड फिर से हमें स्टार्टिंग से कॉर्ड लेना है। और ये देखिए, जैसे ये वाली लाइन हमने बनाई है सेम लाइन हमें फिर से कंटिन्यू करना है टर्न करते हुए। तो जो रेड कलर का स्टार्टिंग से कॉर्ड उठाया है इसके ऊपर क्या करना है, वाइट कॉर्ड तक डबल डबल टाइम हम सारे कॉर्ड्स को रैप कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, सेम मैंने जैसे ऊपर कॉर्ड रैप किया था वैसे ही कॉर्ड रैप कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये लाइन कंप्लीट करने के बाद इस कॉर्ड को, जो रेड वाला कॉर्ड है, टर्न करके और इसके ऊपर हम फिर से सारे जो कॉर्ड्स हैं इनको डबल डबल टाइम फिर से अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रैप करने के बाद फिर से ये जो वाइट कलर का और रेड कलर का यहाँ पे देखिए 4 कॉर्ड छोड़ देंगे। फिर से हमें 5th नंबर का कॉर्ड उठाना है और सारे कॉर्ड्स को यहाँ पर रैप कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे फ्रेंड्स रैप करने के बाद कॉर्ड को फिर से हमें 3 कॉर्ड फिर से छोड़ देना है। और फिर से जैसे यहाँ पे देखिए रैप किया है, बीट्स डाला है, फिर से बीट्स डालने के बाद फिर से कॉर्ड को रैप किया। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से क्या किया, ये वाली लाइन मैंने पूरी की, ये देखिए ग्रीन कलर का बीट्स डाल के। तो सेम जैसे फ्रेंड्स जो जैसे मैंने आपको ऊपर 2 पत्तियाँ बनाना बताया है, सेम वही पत्ती हम फिर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करके पूरे गोलाई में इस पत्ती को बना के ले लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पत्ती है पूरी बन के हो गई अच्छी तरह से कंप्लीट। तो 1 यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे टोटल 12 यहाँ पे पत्तियाँ बन के आई हैं, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। और इसके बाद फ्रेंड्स बैक साइड की तरफ आ जाएंगे और ये जो पत्तियाँ हैं यानी ये जो फ्लावर जो बनाया है अभी इसको पैक करना है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना है। तो स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे रेड कलर के जो 2 कॉर्ड हैं इनको इस तरह से लेके और एक दूसरे के साथ नॉट टाइटली लगा के पैक करना है। और यहाँ पे नॉट लगाने के बाद फ्रेंड फिर से शुरुआत में यानी ये जो पत्तियाँ हैं इनकी शुरुआत में रेड कलर का एक तरफ का कॉर्ड ले लेंगे और दूसरे तरफ की जो पत्ती है इसमें ये देखिए इस तरह से फंसा के निकाल लेंगे पत्ती में से और खींच लेंगे, टाइटली खींच लेना है बराबर में। और इस तरह से दोनों तरफ का भी कॉर्ड ले लेंगे और इन दोनों कॉर्ड्स को लेके फिर से टाइटली एकदम अच्छी तरह से नॉट लगा लेना है, डबल टाइम नॉट लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये जो फ्लावर है इसको पैक कर दिया है और सीजर से क्या करना है, कॉर्ड्स को 1/2 इंच पे अच्छी तरह से बराबर में सभी कॉर्ड को कट कर लेना है। और कॉर्ड को कट करने के बाद फ्रेंड्स लाइटर के मदद से सारे कॉर्ड्स को, जितने कॉर्ड्स कट किए हैं सभी को हल्का हल्का सा मैल कर करके और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें चिपका देना है सारे कॉर्ड्स को। तो अभी फ्रेंड्स इस तरह से ये जो फ्लावर है या मैट है जो भी कह सकते हैं आप, ये बन के पूरा अच्छी तरह से अब कंप्लीट हो गया है। अब ये बनाने के बाद फ्रेंड्स अब बारी आती है पॉट बनाने की। तो फ्रेंड्स पॉट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 इंच का राउंड रिंग। और इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, वाइट कलर का कॉर्ड ले लेंगे जिसे मैंने 1.5 मीटर में कट किया है, 1.5 मीटर में इसे कट किया है। और इस कॉर्ड को कर लेंगे इस तरह से डबल। और डबल करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हर बार की तरह इस कॉर्ड को रिंग के ऊपर अटैच करना है। तो इस तरह से इस कॉर्ड को रिंग के ऊपर अटैच करना है। तो इसी तरह से प्रत्येक कॉर्ड्स को यानी रिंग के ऊपर जितने कॉर्ड्स आने वाले हैं सभी को इस तरह से लगाना है। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कितने कॉर्ड यहाँ पे वाइट वाले
कट किए हैं। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने रिंग के ऊपर टोटल मैंने 16 यानी 16 कॉर्ड मैंने अटैच किए हैं। इस तरह से 4-4 कॉर्ड मैंने चार भागों में लगाए हैं रिंग के ऊपर। अभी ये जो रिंग खाली है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम रेड कलर का 1.5 मीटर का कॉर्ड लगाएंगे, 1.5 मीटर के। तो ये देखिए वाइट वाले कॉर्ड के बीच में यानी 4-4 जो कॉर्ड लगाए हैं उनके बीच में ये रेड वाले कॉर्ड को अटैच करना है। तो दो दो कॉर्ड हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं वाइट वाले कॉर्ड्स के बीच में। इन कॉर्ड्स को भी मैंने 1.5 मीटर में ही कट किया, यानी वाइट वाले और रेड वाले दोनों कॉर्ड्स को मैंने 1.5 मीटर में कट किए हैं। तो अभी यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ये तीनों जगहों पे कॉर्ड को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों जगहों पे मैंने रेड वाले कॉर्ड अटैच कर दिए हैं। तो टोटल यहाँ पे मैंने 8 कॉर्ड रेड वाले और 16 यानी 16 कॉर्ड मैंने वाइट वाले कॉर्ड 1.5 मीटर के लगा दिए हैं। और इसके बाद अभी यहाँ से 4 कॉर्ड्स को लेके और सिंपल स्क्वायर नॉट कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सिंपल नॉट लगाना है। तो 4-4 कॉर्ड्स को लेते हुए और इसी तरह से हमें नॉट लगाते जाना है। तो अभी फ्रेंड्स अभी यहाँ पे फिर से क्या एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अभी दोनों नॉट में से दो दो कॉर्ड लेके और फिर से हमें सिंपल स्क्वायर नॉट जो है इसको फिर से कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह से नॉट लगाते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स 4-4 कॉर्ड्स को लेके सिंपल स्क्वायर नॉट किस तरह से लगाना है मैंने आपको बता दिया। यही जो नॉट है फ्रेंड्स नीचे की तरफ फिर से कंटिन्यू होके और पूरा कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नॉट लगा के जो है कंप्लीट कर लिया है। तो क्रॉस में काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल यहाँ पे 8 टाइम मैंने सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पे लगा के मैंने लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स 2.5 इंच का यानी 2.5 इंच की हमें सेकेंड वाली रिंग लेनी है और यहाँ पे अटैच करेंगे। तो सारे कॉर्ड्स को क्या करना है रिंग के अंदर पहले ले लेना है सभी कॉर्ड्स को। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स अभी सिंगल सिंगल कॉर्ड लेना है और सिंगल सिंगल टाइम हमें रिंग के ऊपर कॉर्ड को अटैच करना है, क्योंकि जो बड़ी वाली रिंग है 3 इंच की उससे जो सेकेंड वाली रिंग है वो छोटी है, इसीलिए यहाँ पे सारे कॉर्ड्स को एडजस्ट होने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम कॉर्ड्स को सिंगल सिंगल टाइम यहाँ पे रैप करेंगे। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स सेकेंड वाले रिंग के ऊपर मैंने जो माइक्रम के थ्रेड्स हैं सबको सिंगल सिंगल टाइम अच्छी तरह से रैप करके ले लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड फिर से क्या करना है, इस तरह से हमें 4-4 कॉर्ड लेना है और जैसे हमने ऊपर की तरफ सिंपल स्क्वायर नॉट लगाया है वैसे ही हमें फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ भी 4-4 कॉर्ड्स को लेके सिंपल स्क्वायर नॉट एक लाइन पहले अच्छी तरह से टाइटली लगा लेना है, क्योंकि जो रिंग के ऊपर हमने कॉर्ड लगाया है तो यहाँ पे नीचे की तरफ जब टाइट नॉट लगाएंगे तो रिंग के ऊपर जो कॉर्ड है अच्छी तरह से बैठ जाएगा।
तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, सारे कॉर्ड्स में नॉट लगा के कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स सेकेंड राउंड में नॉट लगाने की। तो यहाँ पे पहले 4 कॉर्ड्स ले लेंगे और उनमें से 2 कॉर्ड लेना है और यहाँ पे हम डालेंगे एक बीड्स बड़ी साइज की। आप चाहे तो यहाँ पे मटका शेप के बीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी बीड्स डालने के बाद हमें फिर से नॉट लगाना है। तो सिंपल स्क्वायर नॉट लगाएंगे बीड्स को डालने के बाद। तो ये फ्रेंड्स जो ऊपर हमने नॉट बनाया है सिंपल स्क्वायर नॉट, सेम वही नॉट है, सिर्फ बीड्स डाल के यहाँ पे हम नॉट बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से 2 कॉर्ड ले लिया है और इसमें हमें फिर से एक बीड्स डाल देना है। तो यहाँ पे बीड्स डाल दिया और बीड्स डालने के बाद फिर से साइड वाले एक एक कॉर्ड को लेके और फिर से सिंपल स्क्वायर नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड 4 4 कॉर्ड लेना है, उसमें एक एक बीड्स डालना है और नॉट को कंटिन्यू कर लेना है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स एक राउंड मैंने यहाँ पे बीड्स लगा के नॉट लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद फिर से यहाँ पे मैंने येलो कलर के बीड्स ले लिए हैं जिन्हें हमें थर्ड लाइन में लगाना है। तो यहाँ पे जैसे बीड्स लगा दिया है, इसके बाद फिर से अभी यहाँ पे वाइट कलर के 4 कॉर्ड लेंगे जिनमें से बीच के 2 कॉर्ड ले लेना है। और ये देखिए येलो कलर का एक बीड्स डाल दिया और साइड वाले एक एक जो कॉर्ड हैं इनको लेके यहाँ पे हमें फिर से सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेना है बीड्स के साथ। इसके बाद फिर से 4 कॉर्ड ले लिया है जिनमें से 2 कॉर्ड ले लिया, इसमें बीड्स डाल दिया और फिर से साइड वाले एक एक कॉर्ड को लेते हुए सिंपल स्क्वायर नॉट फिर से हमें यहाँ पे लगा लेना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे देखिए जो रेड कलर का 4 कॉर्ड है इसमें मैंने सेम जैसे ऊपर मैंने बीड्स लगाए हैं सेम कलर का बीड्स मैंने रेड वाले कॉर्ड में डाल के और यहाँ पे नॉट लगा दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बीड्स और नॉट लगा के मैंने पूरा यहाँ पे 3 लाइंस मैंने बीड्स लगा के पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये जो पॉट है इसके लिए मैं जितना बीड्स और नॉट लगाना था मैंने लगा दिया है। अब बारी आती है फ्रेंड्स यहाँ पे एक बॉल यानी बीच में पॉट के लिए हम एक बॉल यानी छोटा सा, देखिए मैंने घर पे ही बॉल बनाया है तो इसमें जो माइक्रम के थ्रेड्स वगैरह थे उनको खोल के एक बॉल बना लिया छोटा सा। मतलब जो जितना बड़ा बॉल यहाँ पे जो हमने बनाया है पॉट जो बीड्स लगाए उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए, इस तरह का एक छोटा सा हमें बॉल बना लेना है और चमकी पेपर वगैरह लगा के यहाँ पे इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो बीच में मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स बॉल को। उसके बाद फिर से क्या करना है 4 4 कॉर्ड्स को लेके और नीचे की तरफ हमें नॉट जो है सिंपल स्क्वायर नॉट कंटिन्यू कर लेना है जिससे कि सारे बीड्स यहाँ पे पैक हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 2 3 3 लाइनें मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लिए हैं। तो इसके बाद नॉट लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें से एक कॉर्ड ले लेना है और इसके ऊपर अभी हम राउंड में यानी सारे कॉर्ड्स को सिंगल सिंगल टाइम अच्छी तरह से रैप करेंगे टाइट टाइट। तो इस कॉर्ड जो वाइट वाला कॉर्ड लिया है इसके ऊपर लाइन से यानी प्रत्येक सारे कॉर्ड्स को बारी बारी से एक एक बार सिंगल टाइम रैप करके लेना है। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स पूरे मतलब एक राउंड मैंने सारे कॉर्ड्स को यहाँ पे रैप करके अच्छी तरह से ले लिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जिसके ऊपर हमने सारे कॉर्ड्स रैप किए हैं उसी कॉर्ड को कट कर देंगे और कट करने के बाद लाइटर से क्या करना है उस कॉर्ड को हल्का सा मैल कर देना है और यहीं पर हमें इसे अच्छी तरह से दबा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये जो वाइट वाले जो कॉर्ड्स हैं इनको इस तरह से अलग कर करके और एक एक इंच पे इन कॉर्ड्स को सीजर से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए चारों तरफ से जो वाइट वाले कॉर्ड्स थे उनको एक एक इंच पे मैंने कट कर दिए हैं, जो रेड वाले कॉर्ड्स थे उनको मैंने छोड़ दिए हैं।
तो अभी लाइटर की मदद से सारे कॉर्ड्स को क्या करना है, हल्का हल्का सा मेल्ट करके और यहीं पे अच्छी तरह से हमें चिपका देना है, जिससे कि जो बॉल है जिस नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देगा, अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने कॉर्ड्स को एक एक इंच पे कट किया है। तो इस तरह से सारे कॉर्ड्स को दबा देना है। और फ्रेंड्स अब बारी आती है यहाँ पे ये जो मैट है यानी जो फ्लावर बनाया है मैंने इसके ऊपर इस पॉट को सेट करने की। तो ये जो रेड वाले कॉर्ड्स है इनको साइड कर लेना है और इस तरह से हमें बीच में एकदम यहाँ पे पॉट को रख के अटैच करना है। तो क्या करेंगे, देखिए जो रेड वाले कॉर्ड है चारों भागों में मैंने इसे बांट दिया है। तो ये जो यहाँ पे देखिए रेड कलर के 4 कॉर्ड्स हैं, तो सभी कॉर्ड्स को क्या करना है, इस तरह से ये जो फ्लावर बनाया है उन्हीं में से पिन वगैरह की मदद से सारे कॉर्ड्स यानी रेड वाले सारे भी कॉर्ड्स को हमें पीछे की तरफ सारे कॉर्ड्स को ले लेना है यानी खींच लेना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉर्ड्स को पीछे की तरफ बैक साइड की तरफ ले लिए हैं। तो यहाँ पे 4 कॉर्ड्स हैं, तो 4 कॉर्ड्स को लेके क्या करना है, हमें टाइटली एकदम टाइट वाला सिंपल स्क्वायर नॉट यहाँ पे लगाना है, जिससे कि जो पॉट है यहाँ पे मैट के ऊपर या फ्लावर के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाना चाहिए। तो इस तरह से एकदम टाइटली नॉट यहाँ पे लगाना है। और इसके बाद फ्रेंड्स जो नॉट लगा हुआ कॉर्ड है यानी एक्स्ट्रा, उसको सीजर से सारे कॉर्ड्स को हमें हाफ हाफ इंच पे कट कर लेना है। कॉर्ड्स को कट करने के बाद फ्रेंड्स लाइटर की मदद से इन कॉर्ड्स को हमें पीछे की तरफ भी अच्छी तरह से हल्का हल्का सा मेल्ट करके और इस तरह से दबा दबा के चिपका देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे इस मैट के साथ यानी फ्लावर के साथ ये जो पॉट है छोटा सा प्यारा सा यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स हो गया, अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एकदम न्यू डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन का बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो माइक्रम का फ्लावर पॉट है बनके तैयार हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को भी ये जो पॉट है पसंद आएगा। तो यदि वीडियो फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कोई भी कमेंट है वो तो कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिएगा। साथ में फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा आगे के वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।